ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। अगर आप ये सोचते हैं कि आपके जीवन में बहुत ज़्यादा कष्ट है तो ये वीडियो आपके लिए है। बहुत दिनों के बाद ये सुंदर संयोग बन रहा है। पूज्य गुरुजी की कथा से सुन के बहुत अच्छे से आपको समझा रहा हूँ। एक नींबू लेना है, महादेव के सामने काटना है। इस पूरे उपाय को बहुत ही विस्तार से समझाऊंगा कि कैसे करना है, लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह कहूंगा कि आप वीडियो को लाइक कर दें। आवाज जो भी लोग पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, ठीक है। देखो, बहुत ही ध्यान से समझिएगा इस उपाय को। स्क्रीन पर क्या दिख रहा है आपको, यहाँ पर एक कटोरी। इस कटोरी में क्या करना, गाय का कच्चा दूध डाल देना। क्या करना, गाय का कच्चा दूध डालना। कच्चा दूध क्या होता है, वो दूध जो गर्म ना किया गया हो, ठीक है, वो दूध डालना। और साथ ही साथ एक नींबू ले लेना, ठीक है। और उस नींबू को अभी काटना नहीं, बिल्कुल खड़ा नींबू लेना। और उन दोनों चीजों को लेकर महादेव के मंदिर पहुंचना, शिवलिंग के पास जाके खड़े होना। सबसे पहला काम क्या करेंगे, एक लोटा जल महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करेंगे। इनको अच्छे तरीके से आप धुलेंगे, अच्छे तरीके से साफ करेंगे, ठीक है। साफ करने के बाद क्या करेंगे, जो आपके हाथ में कच्चे दूध की कटोरी है, महादेव के शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए, साथ ही साथ जिस भी वजह से आप बहुत ज्यादा परेशान हैं, बहुत ज्यादा आपके जीवन में कष्ट है, उस कष्ट का स्मरण करते हुए आपको अपनी कामना महादेव से कहनी है। और उसके बाद उस पूरे कटोरी को चढ़ा देना है। आप देखेंगे जब दूध आप चढ़ाओगे तो दूध बहता बहता यहां से नीचे गिरेगा। यहीं पर आपको उस कटोरी को लगा देना है और दूध को रोक लेना है, जितना भी दूध आप इकट्ठा कर सकते हो, एक चम्मच, दो चम्मच या फिर पूरी कटोरी, ठीक है। इतना कर लिया, उसके बाद क्या करना है, आपको महादेव का जो चौखट होता है, जहां से शिवलिंग की तरफ आप एंट्री लेते हैं, उसी चौखट पर आप खड़े होना। खड़े होकर के क्या करना, जो एक नींबू आपने लिया है ना, अवधूतेश्वर महादेव के नाम से, उसी नींबू को महादेव के सामने आपको काटना है, ठीक है। और जो आपके हाथ में जो दूध की कटोरी है ना, उसी कटोरी में आपको उस नींबू को अच्छे तरीके से निचोड़ना है और तुरंत वहीं पर खड़े खड़े अवधूतेश्वर महादेव के नाम से आपको पी लेना है। बहुत लोग ये कहेंगे, भैया जब हम दूध में नींबू को निचोड़ेंगे तो दूध फट जाएगा, हमको नुकसान करेगा। नहीं, जब आप दूध में नींबू को निचोड़ के तुरंत पी जाओगे तो वो नहीं फटेगा, ठीक है, बाद फटता है। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि जैसे आपने महादेव के शिवलिंग से उस दूध को उठाया, तुरंत महादेव की चौखट पर खड़े होकर के अवधूतेश्वर महादेव के नाम से उस एक नींबू को उस कटोरी में अच्छे तरीके से निचोड़ लेना और तुरंत वहीं पर अवधूतेश्वर महादेव के नाम से आपको पी जाना है। यकीन मानिए, यह बहुत ही सुंदर सा उपाय है, आपको जरूर फायदा करेगा। यह उपाय अगर आप कार्तिक महीने में किसी भी दिन करते हैं तो आपको बहुत फायदा मिलेगा, वरना जब भी आपकी इच्छा हो किसी भी दिन किसी भी महीने में आप इस उपाय को कर सकते हैं। मैंने तो कोशिश की है आपको अच्छा बताने की, समझाने की। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, कुछ पूछना हो, नहीं समझ में आया तो आप परेशान ना हो, नीचे कमेंट में पूछें। आवाज जो भी लोग पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।